हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव एंड वेलकम टू द चैनल। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के एस्पिरेंट हैं और उसमें एडमिशन लेने की सोच रहे हैं और ये भी सोच रहे हैं कौन सा अच्छा कॉलेज है कौन सा अच्छा कॉलेज नहीं है, सो गाइज ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करना। और फ्रेंड चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस ताकि आपको ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ बीकॉम के लिए सबसे बेस्ट कॉलेज अकॉर्डिंग टू मी। टॉप 10 कॉलेज बताऊंगा आपको बीकॉम ऑनर्स के, साथ ही साथ बीकॉम पास के। जो भी कॉमर्स का स्टूडेंट होता है वो मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं वो बीकॉम करना पसंद करते हैं। सो इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक ऐसे कॉलेज के बारे में जो बहुत चर्चा में रहता है हमेशा, वो है मिरांडा हाउस। बट मैं मिरांडा हाउस के बारे में आपसे बात करूँ, वो है मिरांडा हाउस एक लड़कियों का कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है। सो NIRF के अकॉर्डिंग इस कॉलेज को अराउंड 4 ईयर से रैंक 1 दिया जा रहा है। समझ सकते हो रैंक 1 दिया रहा है मिरांडा हाउस को। भाई कबीर सिंह के बाद तो और ज़्यादा फेमस हो गया है। सो चलो शुरू करते हैं जल्दी से वीडियो को। मैं आपसे बात करता हूँ सबसे पहले वो है बीकॉम ऑनर्स के लिए। मैं सबसे पहले कॉलेज के बारे में बात करूँगा, वो है आपका सबसे पहला कॉलेज बीकॉम ऑनर्स के लिए SRCC श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, हिंदू LSR लेडी श्री राम कॉलेज, हंसराज KMC किरोड़ीमल कॉलेज, रामजस कॉलेज, वेंकी कॉलेज सबको पता होगा साउथ का वेंकटेश्वर, दौलत राम कॉलेज एंड जीजस एंड मैरी, और SGGSCC श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स। एंड जो नेक्स्ट आता है, मतलब नेक्स्ट क्या लास्ट आता है, SGTV खालसा नॉर्थ कैंपस। नॉर्थ कैंपस का ये कॉलेज है बट इसमें माइनॉरिटी ज़्यादा है, जो सिख लोग हैं उनको ज़्यादा यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाती है। अब मैं आपसे बात करता हूँ बीकॉम पास कोर्स के कॉलेज। आप ये सोच रहे होंगे इस बार तो चेंज हो गया है, बीकॉम पास हटके बीकॉम स्टडी हो गया है। सो बीकॉम पास और बीकॉम ऑनर्स में डिफरेंस है, जो स्टूडेंट कॉमर्स विदाउट मैथ्स करते हैं वो बीकॉम पास में जाते हैं, जो स्टूडेंट्स कॉमर्स विद मैथ करते हैं वो बीकॉम ऑनर्स में जाते हैं। तो ये भी डिफरेंस है 12th क्लास के लिए। और कुछ आपको ऑनर्स के अंदर एक पर्टिकुलर ऑनर्स की डिग्री मिलती है कि हाँ भाई स्पेशलिस्ट है, और पास के अंदर आपको एक ग्रेजुएट की, मतलब ग्रेजुएट की डिग्री दोनों में मिलती है लेकिन आपको उसमें पास की डिग्री मिलती है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। सो फ्रेंड, मैं आपसे चलिए बीकॉम पास के कॉलेजेस के बारे में बात कर लेता हूँ जो भी मेरी लिस्ट में आए हैं टॉप 10 में। सबसे पहला कॉलेज है वेंकी कॉलेज, वेंकटेश्वरा कॉलेज साउथ का कॉलेज है। नेक्स्ट है आपका किरोड़ीमल कॉलेज, रामजस कॉलेज, SGTV खालसा नॉर्थ कैंपस वाला जो जस्ट आपको मैंने बीकॉम ऑनर्स में बताया टॉप 10 में था। और 5th नंबर पर है दौलत राम कॉलेज, नेक्स्ट है आपका गार्गी कॉलेज गर्ल्स का कॉलेज है, 7th पे है दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, 8th पे है SGGSCC श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ये आपका पीतमपुरा NSP में टावर के सामने ही जस्ट। एंड नेक्स्ट है आपका ARSD की बात कहूँ तो NIRF में बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है ये, और आप देखोगे जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं अराउंड 2 साल पहले गया था और जस्ट मैं अभी गया हूँ, भाई साहब गजब बना दिया है, गजब क्या मतलब इतना अच्छा लग रहा है, जो भी उसका गेट वगैरह है प्रॉपर लग रहा है भाई कॉलेज है ये तो खतरनाक, ऐसा लग रहा है किसी कैंपस में आ गए हम, बहुत अच्छा कॉलेज बना दिया। नेक्स्ट बात करता हूँ आपका वो है शहीद भगत सिंह कॉलेज साउथ कैंपस, ये आपका टॉप 10 कॉलेज है फॉर बीकॉम पास। बीकॉम ऑनर्स के मैंने आपको बता दिए, बीकॉम पास के मैंने आपको बता दिए। अब ये मत दौड़ लगाने लग जाना कि मेरे को इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, इसमें नहीं मिला तो मैं एडमिशन लूंगा ही नहीं, भैया ने तो मुझे ये कॉलेज बताए थे, इसके अलावा तो सारे कॉलेज बेकार होते हैं। किसने कहा है बेकार होते हैं, किसने कहा है, ये मैंने आपको जस्ट बता रहा हूँ, ये मेरी लिस्ट है, मैंने अपने अकॉर्डिंग ये सब आपको बता दिए हैं। अब ये मत सोचना कि इंद्रप्रस्थ कॉलेज बेकार होता है, आपका श्यामलाल कॉलेज बेकार है, सत्यवती कॉलेज बेकार है, भाई कुछ बेकार नहीं होते हैं, सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज हैं और टॉप रैंकिंग कॉलेजेस हैं, कोई गलत नहीं बता रहा हूँ आपको, जाके गूगल कर लेना। और ये भी सोच लेना जब एक एग्जाम होता है बीकॉम ऑनर्स का और बीकॉम पास का तो पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक ही क्वेश्चन पेपर आता है, चाहे वो किसी भी कॉलेज का हो, चाहे इवनिंग शिफ्ट का हो चाहे मॉर्निंग शिफ्ट का हो। सो इससे ध्यान रखना आप हमेशा, पर शायद इवनिंग और मॉर्निंग में अलग आ सकता है, थोड़ा सा डाउट है मुझे, लेकिन आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है ना वो हमेशा सेम आता है, चाहे आप बीकॉम पास से हो चाहे बीकॉम ऑनर्स से हो, किसी भी कॉलेज के हो, ऑनर्स वालों का सबका सेम, पास वालों का सबका सेम। तो ये मत सोचना प्राइम में कोई डिफरेंशिएट होता है, बस एक कॉलेज का नाम होता है, बाकी
आपको जो डिग्री मिलती है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की मिलती है, ऑल ओवर इंडिया में वैलिड होती है, इंडिया में क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में वैलिड होती है ग्रेजुएशन की डिग्री। सो अब ये मत सोचने लग जाना। सो प्लीज आप बस इतना ही ध्यान रखना मेरे को ड्यू में एडमिशन मिल जाए, और मैं आपको एक वीडियो भी लेके आने वाला हूँ कि आपको मिनिमम परसेंटेज कितनी रिक्वायरमेंट है आपको 12th क्लास के अंदर, सो आप इजीली आपका एडमिशन हो जाएगा। मैं पर्टिकुलर उसमें बात करूंगा कि जनरल कैटेगरी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए एंड ओबीसी के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला हो, कुछ नया पता लगा हो, कुछ मोटिवेट हुए हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पर हमेशा मिलता रहेगा, हमेशा मिलता था भी और है भी और रहेगा भी। सो हमेशा सब्सक्राइब किया करो और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स तक, ताकि आपको एक अच्छा कंटेंट देखने को मिले और सुनने को मिले। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।